तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सिस्टम लॉन्चर यहाँ पे काम नहीं कर रहा, कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करता तो ओपन नहीं होता है, सेटिंग पे टैप करता तो सेटिंग भी यहाँ पे ओपन नहीं होता है, और कुछ देर बाद अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्रैश हो जाता है, सेटिंग क्रैश हो जाता है, एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है। तो कुछ स्टेप को फॉलो करने के बाद इस प्रकार के ऐप्स क्रैश के प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, और फिक्स करने के बाद उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन को जैसे आप यहाँ पे ओपन कीजिएगा तो ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्मूथ यहाँ पे ओपन होगा और आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। सबसे पहले देख सकते हैं अगर आपका मोबाइल यहाँ पे क्रैश करने लगता है तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, अपने मोबाइल को यहाँ पे रिबूट कर लेना है। रिबूट करने के लिए पावर बटन को दबा के रखना है, दबाने के बाद रिबूट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस रिबूट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मोबाइल को रिबूट कर ले। तो चलिए मोबाइल को रिबूट होने देता हूँ, उसके बाद आपको क्या प्रोसेस कंप्लीट करना है वो मैं आपको अभी वीडियो में पूरा क्लियर करूँगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं मेरा मोबाइल यहां पे रिबूट हो चुका है। रिबूट होने के बाद अब मैं यहां पे पासवर्ड डाल देता हूं, और पासवर्ड डालने के बाद सबसे पहला प्रोसेस आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के सिक्योरिटी एप्लीकेशन में जाना है। सिक्योरिटी एप्लीकेशन में जाने के बाद ऊपर में आपको ऑप्टिमाइज वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले अपने मोबाइल को यहाँ पर ऑप्टिमाइज करना है, उसके बाद आपको बूस्ट स्पीड पर क्लिक करना है। तो जितने भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में यहाँ पर रन करेगा वो आपका यहाँ पर बैकग्राउंड में स्टॉप हो जाएगा। पहला प्रोसेस आपको ये कंप्लीट कर लेना है। देन आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको मेमोरी एक्सटेंशन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अगर ये ऑन किया हुआ है तो सिंपली आप इसको ऑफ कर दें, और ऑफ करने के बाद आपको रिबूट कर ले। ये ऑन होने के बाद दोस्तों मोबाइल में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। जब आपका मोबाइल यहाँ पर रिबूट हो जाए फिर से आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। चलिए अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस क्या कंप्लीट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर से आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इस बार आपको जाना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको जाना है ऑथराइज एंड रेगुलेशन वाले ऑप्शन पे। देन आपको MSC और MIUI डेमोन वाला ऑप्शन मिलेगा, ये दोनों ऑप्शन को आपको यहाँ पर बंद कर देना है। ये दोनों ऑप्शन ऑन होने के बाद आपके मोबाइल का डाटा लिया जाता है और आपके मोबाइल में एडवर्टाइज दिखाया जाता है, जिसके चलते मोबाइल काफ़ी हैंग होता है। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में जाने के बाद फोल्डर में जाना है। फोल्डर में जाने के बाद एंड्रॉइड पर क्लिक करना है। एंड्रॉइड पे क्लिक करने के बाद डाटा पे जाना है। देन आपको व्यू फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे एंड्रॉइड पे क्लिक करना है। देन आपको फिर से डाटा पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको काफी सारे फोल्डर मिलेंगे, आप इस प्रकार से फोल्डर देख सकते हैं। देन अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जितने भी फोल्डर होते हैं उसमें एक कैच का फाइल का यहाँ पे फोल्डर बना हुआ रहता है, जिसके चलते आपको मोबाइल काफी हैंग होता है। तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको जो भी फोल्डर यहाँ पे दिख रही है उस फोल्डर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपके मोबाइल में डाटा ना हो। जिस फोल्डर में डाटा है उसको छोड़ के बाकी सभी फोल्डर को आपको इस प्रकार से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपको फोल्डर मिल जाएंगे, सभी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एक एक करके। तो ये टोटल फोल्डर अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो कम से कम 40 से 42 यहाँ पे फोल्डर आपका यहाँ पे सिलेक्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ फोल्डर को छोड़ दिया है, बाकी जितने भी डिफॉल्ट फोल्डर है, वेदर के है, क्लॉक के है, सब टोटल फोल्डर को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और टोटल यहाँ पे 37 यहाँ पे फोल्डर बताया जा रहा है। उसके बाद आपको डिलीट पे क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। तो ये टोटल फोल्डर यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, और डिलीट होने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिक बाद में आपका यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको गैलरी पे क्लिक करना है। गैलरी पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जितने भी वीडियो है ये ऑटोमेटिक अब यहाँ पे निकल रहा है। तो मैंने जो फोल्डर डिलीट किया था उसके बाद ये वीडियो आपको दिखेगा। उसके बाद वीडियो पे क्लिक करके अगर यहाँ पे कोई भी वीडियो को आप यहाँ पे डिलीट करते हैं या फोटो को डिलीट करते हैं तो दोस्तों ये जो वीडियो और फोटो होता है वो डिलीट नहीं होता है, वो कहाँ पर चला जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एल्बम पर जैसे आप यहाँ पर जाते हैं, एल्बम में जाने के बाद ट्रेस बिन वाला ऑप्शन मिलेगा। तो ये ट्रेस बिन में ये टोटल वीडियो आपका जो डिलीट होता है वो यहाँ पर चला जाता है, और 30 डे तक यहाँ पर देखने को मिलता है। देख सकते हैं ये टोटल वीडियो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और लगभग 30 GB के आसपास है। आपको क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करना है। क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करने के बाद ये जितने भी वीडियो या फोटो है उसको आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। ये ट्रेस बिन से आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। यहाँ पे ट्रेस बिन से डिलीट करने के बाद आपको मेमोरी काफ़ी खाली हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। सेफ्टी में जाने के बाद अबाउट फोन में जाना है। आप यहाँ पे देखिए स्टोरेज बताया जा रहा है 64 GB का वेरियंट है। तो अगर आपका 64 GB का वेरियंट है तो आपको 50 GB से कम यहाँ पर रखना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर ओपन करूँगा तो ओपन हो रहा है, काफ़ी स्मूथ ओपन हो रहा है, कोई हैंग का प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों ये सिंपल स्टेप को फॉलो करने के बाद आप ऐप्स क्रैश के प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं।